ओडिशा से महातूफान फोनी टकराने वाला है और इस तूफान के ओडिशा के 10,000 गांव 52 शहरों पर सीधा असर पड़ने की आशंका भी है। थोड़ी ही देर में फोनी पुरी के दक्षिणी तट से टकराएगा और इस तूफान के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ हाई अलर्ट पर है। फोनी तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक में हालात से निपटने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग आज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ओडिशा के तट पर फोनी तूफान के पहुंचने की संभावना जताई है। ओडिशा के तटीय शहरों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। फोनी तूफान की 4 तस्वीरें इसकी आहट से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान 20 साल में ये पहली बार ऐसा होगा। सुरक्षित ठिकानों पर 12 लाख लोगों को पहुंचा दिया गया है लेकिन अब भी लोगों को सही सलामत सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सेना कोस्ट गार्ड सब हाई अलर्ट पर हैं। 10,000 गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं। आपको जानकारी एक बार फिर से दे दें, आज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ये तट से टकराएगा। कल आधी रात से अगले 24 घंटे के लिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट से उड़ानें बंद कर दी गई हैं। एहतियातन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया गया है। 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक भूस्खलन का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ओडिशा में फोनी तूफान के खतरे को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। 12 लाख से ज्यादा लोगों को सही सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकराएगा ओडिशा के तट से। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। हालात और बिगड़ सकते हैं जब ये तूफान टकराएगा। 20 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब इतना खतरनाक तूफान ये चक्रवात जिसकी दस्तक ओडिशा के तट पर थोड़ी ही देर में सुनाई देगी। चूंकि 8 बजे से 12 बजे तक का वक्त होगा और इस बीच कभी भी ये खतरनाक तूफान ओडिशा के तट से टकरा सकता है। फोनी तूफान के खतरे से और इसे देखते हुए सभी एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं।